efforts are being made in the defense sector to taking it to a notch higher. Munition India Limited, which is a defense PSU, is also in process of making different type of military equipments. हमारे साथ अभी मिस्टर विजय हैं. सर क्या क्या चीज़ें मुनिशन इंडिया बना रही है अभी, अगर हमें बताओ. हम लोग स्मॉल आर्म्स और एक्सप्लोजिव्स इसके इसी में डील करते हैं. तो हम शुरू करेंगे स्मॉल आर्म्स से. स्मॉल आर्म्स में देखिए, स्मॉल आर्म्स का मतलब ये है कि जिसकी बोर साइज ये एक इंच से कम है, 25 mm, 24.5 mm से कम. इंडियन स्मॉल आर्म्स का जो मेन कैलिबर है वो ये है, ये इंडियन आर्मी को देते हैं. इसके हम एक्सपोर्ट वर्जन भी बनाते हैं. जो एक्सपोर्ट होते हैं उसमें एक है नाटो वर्जन SS-109 और दूसरा है अमेरिकन वर्जन, दैट इज़ M-193. ये दोनों हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं बाहर के कंट्री के लिए. उसके बाद स्मॉल आर्म्स में और अलग अलग कैलिबर्स आते हैं. 9 mm है. फिर ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है हमारा, ये जॉइंट वेंचर प्रोटेक्टिव कार्बाइन करके, ये वाला जो है, ये लेटेस्ट, इसकी वेपन हमारी सिस्टर फैक्ट्री बनाती है और एमिनेशन हम लोग बनाते हैं. ये 9 mm कार्बाइन को रिप्लेस कर रहा है. ये वाला लेटेस्ट है. सर अभी कुछ आपने एक्सपोर्ट भी किया है इसमें? ये वाले, ये दोनों एक्सपोर्ट में है हमारे. ये SS-109 लास्टली हम लोगों ने लास्ट ईयर इसको अमेरिका में एक्सपोर्ट किया था. और M-193 अभी हम लोगों ने बैक किया है नया ऑर्डर अमेरिकन आर्मीज के लिए. ये हमारा लेटेस्ट अचीवमेंट है. उसके बाद में 7.62 आता है, दिस इज बेल्टेड एमिनेशन. ये मशीन गन से इसको फायर किया जाता है. फिर ये सिविल ट्रेड में जाएगा हमारा एंटी राइट्स के लिए, दिस इज रबर बुलेट. ये एंटी राइट्स के लिए यूज़ होता है, राइट्स में लोगों को फैलाने के लिए. फिर ये हमारे सिविल ट्रेड आइटम्स है, 12 बोर वाले. 12 बोर इसके अंदर शॉट्स रहते हैं. शॉट्स फायर होने के बाद ऐसा पंछी नहीं तो ये स्पोर्टिंग्स में ज़्यादा यूज़ करते हैं. उसके बाद है इसकी इसी के हायर वर्जन है, AK-47. इसमें दो वर्जन आते हैं, Mark 1 और Mark 2. अभी इसमें AK-47 के बाद इंडियन वर्जन है 7.62 x 51 mm. और इसके बाद वाला और एक वर्जन है 7.62 x 54 PKT, उसको बोलते हैं स्नाइपर राइफल्स के लिए यूज़ होता है. सर जो एक्सपोर्ट है उसमें अगर आप और चीज़ें बता पाएँ कि कितने अमाउंट वगैरह, अगर आप कुछ हमें बता पाएँ. ये देखो, ये लास्ट ईयर हम लोगों ने ये वाली एमिनेशन है, ये 110 lakhs. और अभी हमको ये एमिनेशन का 800 lakhs और 1200 lakhs, ऐसा 2000 lakhs इसकी एक्सपोर्ट ऑर्डर मिली है, ये इस साल के लिए है. और अभी इन कुछ प्रोसेस है और भी कंट्रीज और, हाँ, बहुत कंट्रीज हमको अप्रोच कर रहे हैं. हम लोग एक एक ऑर्डर बैक करते जा रहे हैं. कुछ आप बता पाए कौन कौन सी कंट्रीज? ये वियतनाम, अपना ये फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, ऐसे दो कंट्रीज तो अभी हमारे कॉन्टेक्ट में है. ये और कुछ कंट्रीज ऐसा है, अभी इसराइल की एक टीम हमारे ग्रुप को विजिट करके गई कि उनकी एक बड़ी कंपनी है, वो चाहते हैं कि उनके अम्ब्रेला में हमको लेना चाहते हैं कि एज अ प्रोडक्शन. वो बल्क ऑर्डर ले गए और हम लोग मैन्युफैक्चर करके देंगे. उसके बाद में ये जो है इसको बोलते हैं RCL, रिकॉयललेस एमिनेशन. इसको शोल्डर के ऊपर जो वेपन है वो होल्ड करके उसको वहाँ से इसको लॉन्च करेंगे. ये तुम्हारी कुछ इंस्टॉलेशन रहेंगे, नहीं तो सब जो अपना कुछ गाड़ी जा रही है, कुछ मूविंग व्हीकल्स है, उसको टारगेट कर सकते हैं. ये जो एमिनेशन है मीडियम कैलिबर एमिनेशन में आता है, तो इसमें तीन वेरिएंट आते हैं, 51, 81 और 120 mm. तो इसमें तीन कलर कोड आते हैं, देखो, येलो, ग्रीन एंड वाइट. ये तीनों कलर कोड का अलग अलग मीनिंग है. तो येलो वाला जो है वो डिस्ट्रॉय पर्पज के लिए यूज होता है. देन व्हाइट वन ये लाइटनिंग इफेक्ट के लिए, अगर डार्कनेस है तो वहाँ पे आपको लाइट चाहिए तो वो टाइम पे ये व्हाइट वाला है वो यूज होता है. उसके बाद जब स्मोक आपको, अगर आपकी पोजीशन चेंज करना है, वो टाइम पे स्मोक फायर होता है. उसके अलग अलग रेंजेस है. जो 51 mm मोटर आता है उसका रेंज है up to 3 km. जो 81 mm में आता है उसका रेंज है up to 5 km. और जो 120 mm मोटर है इसका रेंज है up to 7 km. इसका रेंज कम ज्यादा कर सकते हैं, इसके जो ऑगमेंटिंग चार्जेस है इसको कम ज्यादा करके ये यूज किया जाता है. ये ज्यादातर हिल एरिया में यूज होता है. और जो एमिनिशन स्टोरेज होते हैं
उस स्टोरेज के ऊपर फायर किया जाता है, एक सर्टन एंगल में इसको फायर किया जाता है हिल एरिया में। सर ये सारे जो इक्विपमेंट्स आपने बताए इसमें इंडिजिनस कंटेंट कितना रहता है, अपने आप कितना बना रहे हैं? टोटल इंडिया में बनते हैं और पूरा इंडिजिनस है। दीज आर दी थिंग्स म्यूनिशन इंडिया इज करेंटली मेकिंग फ्रॉम हैंड ग्रेनेड्स टू मिसाइल लॉन्चर्स। सो दीज इक्विपमेंट्स आर टोटली मेड इन इंडिया एंड इंडिजिनस, एंड वी कैन से दीज इनिशिएटिव्स, दीज मैन्युफैक्चरिंग आर नॉट ओनली गिविंग push to the Made in India initiative, but also taking the defense sector to new height. This is it in today's session.